मैं नाश्ता किया ही नहीं आज, इसलिए नमस्ते सुप्रभात। अभी सुबह 9:15 बज रहा है, नींद से उठी हूँ 7 बजे। 7 बजे नींद से उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा नहाना, नहाने के बाद गुनगुना सा गर्म पानी पी लिया और उसके बाद घर का डेली रूटीन का काम शुरू कर दिया, एक एक करके रूम क्लीन, ब्रश। उसके बाद अभी जस्ट भगवान जी को सेवा करके उठी हूँ और अब मैं जाऊँगी किचन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, आप लोग साथ रहिए पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। दोपहर आज खाना तो बनाऊंगी। 2 दिन हो गए घर पे खाना नहीं बन रहा है, बाहर का छोटा मोटा जो खाना वो खा रही थी। और अभी नाश्ता क्या बनाऊंगी मालूम नहीं। किचन जाने से पहले ये थोड़ा काम है, पूजा का सामान जो नीचे रखा है इसको ठीक ठाक करके रख देती हूँ और उसके बाद चली जाऊंगी किचन। चलिए अभी प्रतीक्षा आया था मेरे से मिलने के लिए, कभी उसको टाइम नहीं मिलता लेकिन अभी दिवाली का छुट्टी मिला है तो आ गया है वो मिलने के लिए। कभी भी उसके सेकंड के लिए मिनट के लिए टाइम मिलता है तो हाय हेलो करने के लिए ज़रूर आता है। तो अभी मैंने उसको पूछा तू नाश्ता किया प्रतीश, तो बोलता है अभी तक मैं नहाया नहीं। मैं बोला तू गंदा लड़का है, तो हंस रहा था और बोल रहा था नहीं नहीं। उसकी मम्मी बुला लिया क्योंकि उसको लेके अभी उसकी मम्मी जाएगी नानी के घर। प्रतीश का नया चप्पल देख के मैं बोला कितना अच्छा, बोला थैंक यू और बहुत खुश होता है। दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन आ गई और दोपहर आज खाना बना रही हूँ वेज खाना। आज मंगलवार है तो क्या क्या खाना बना रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि भिंडी फ्राई करूँ, ये फ्राई करूँ और दाल के साथ पालक बनाऊँ और भिंडी फ्राई करूँ राइस। तो पालक को साफ कर लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा जो डंडी है वो फेंक रही हूँ, इतना सा इतना इसका रखूंगी और इतना फेंक दूंगी। पालक साफ हो गया, मिर्ची साफ करनी है, इस डब्बे में रखना है और अभी ये काट ले काट लेती हूँ।
बहुत गर्मी है मुंबई में, बापरे। किचन का लाइट ऑन करके काम नहीं कर सकती, इतना गर्मी लगता है। तो इधर फैन चालू कर दिया है, दाल बॉयल हो रहा है, और तब तक मैं भिंडी को साइज कर देती हूँ। दाल बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है, साथ में पानी लेके बैठी हूँ, प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगी, प्यास लगी है। कबूतर इतना चिल्लाता है, बहुत चिल्ला रहा है, ये विंडो में आके बहुत चिल्लाता है। अभी तक मिर्ची नहीं दी तो मिर्ची डाल देती हूँ, उसके बाद तड़का लगाऊंगी। वैसे बॉयल हो जाता है मिर्ची, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किचन पूरा एकदम जाम हो गया है, दाल में तड़का के लिए थोड़ी सी जीरा और एक तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग, तेज पत्ता, जीरा और हींग। खाना बन गया है, खाना लेके भी बैठ जाऊंगी क्योंकि भूख तो लगी है मुझे। सुबह मैं नाश्ता किया ही नहीं आज, इसलिए एक कच्चा जूस पिया था, बीट गाजर का खाली जूस पिया था। मेरा दोपहर का खाना है भिंडी फ्राई, राइस और दाल पालक। तो खाना लेके बैठ गई हूँ, खाना शुरू कर देती हूँ। अभी दोपहर 3 बज रहे हैं। भिंडी फ्राई, राइस, पालक।
दाल के साथ पालक बनाना भूल जाती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे याद आया तो आज बना लिया है। मुझे बहुत पसंद है दाल पालक और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है दाल पालक। देखते देखते 5 बज गया। मोटी नान कर देती हूँ। इसी टाइम पे घर पे मच्छर आता है। 5 फ्लोर में है घर लेकिन फिर भी मच्छर आता है। गार्डन साफ सफाई चल रहा है, बहुत टाइम से ऐसा ही पड़ा था। अभी बच्चे लोग खेल सकते हैं गार्डन में। और अभी मैं जाऊँगी नहाने, थोड़ा सा काम बाकी है कर लेती हूँ। शाम के टाइम दियावती दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरा काम पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और रात को जो है 9:30 बजे पानी आता है, तभी थोड़ा सा पानी का काम कर लूँगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाऊँगी एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, टाटा।